मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज स्टैंडर्ड 4 में आप लोग पाठ्य पुस्तक पढ़ेंगे। पाठ्य पुस्तक में पाठ 3 है और पाठ का नाम है ईमानदारी का इनाम। ये एक स्टोरी है, कहानी है। तो चलिए कहानी मैं बता देती हूँ, वैसे आप लोग पढ़े भी होंगे। इसमें एक निर्धन लकड़हारा रहता है और वह प्रतिदिन जंगल में लकड़ी काट के अपना जीवन यापन करता था। बहुत गरीब था वो। एक दिन वो जंगल में लकड़ी काट रहा था, नदी किनारे जाकर पेड़ पर चढ़ के लकड़ी काट रहा था, तभी अचानक उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। वह बहुत दुखी हुआ और वह दुखी होकर रोने लगा। तो उसकी अचानक से नदी में से जल देवता प्रकट हुए और लकड़हारे से उसके रोने का कारण पूछा। तो लकड़हारे ने कहा कि महाराज, मैं एक बहुत निर्धन लकड़हारा हूँ, मैं लकड़ी काट के अपना जीवन यापन करता हूँ, आज मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है, अब मेरा क्या होगा। तो जल देवता बोले, अच्छा तुम मत रो, देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए, चलो ठीक है। और उसको बोल के फिर वो नदी में डुबकी लगा। तो नदी में जब वो डुबकी उन्होंने लगाया तो सबसे पहले उन्होंने सोने की कुल्हाड़ी लाई। लकड़हारे से पूछा कि क्या कुल्हाड़ी तुम्हारी है? तो लकड़हारे ने कहा, नहीं महाराज, मैं तो एक बहुत ही गरीब लकड़हारा हूँ, मेरे पास भला सोने की कुल्हाड़ी कहाँ से आएगी। तो जल देवता बोले, अच्छा ठीक है। फिर उन्होंने दोबारा नदी में डुबकी लगाया, इस बार उन्होंने चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आया और लकड़हारे से पूछा कि क्या यही कुल्हाड़ी है तुम्हारी? तो लकड़हारे ने बोला, नहीं महाराज, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। तो फिर तीसरी बार उन्होंने नदी में डुबकी लगाई और लोहे की कुल्हाड़ी लेके आए, प्रकट हुए। तो लकड़हारे से पूछा, क्या यह कुल्हाड़ी तुम्हारी है? तो लकड़हारे ने बहुत खुश होकर बोला, हाँ महाराज, यही मेरी कुल्हाड़ी है। अब जल देवता उसकी ईमानदारी से बहुत खुश हुए कि लकड़हारे को जब मैंने सोना का कुल्हाड़ी दिखाया, चांदी का कुल्हाड़ी दिखाया, तो उसको थोड़ा सा भी तनिक भी उसके मन में लालच नहीं आए और लोहे को कुल्हाड़ी को ही उसने अपना कहा। तो इस प्रकार उसके ईमानदारी से जल देवता बहुत खुश हुए और खुश होकर बोले कि मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हूँ, ये सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी तुम इस अपने साथ लेते जाओ। इस प्रकार लकड़हारा को जल देवता तीनों कुल्हाड़ी देके दे दिए। तो इस कहानी से हम लोग हमें यह शिक्षा मिलती है कि ईमानदारी का फल हमेशा अच्छा मिलता है। हमें ईमानदारी पूर्वक अपने जीवन में हर परिस्थिति में अपने ईमानदारी को नहीं खोना चाहिए। अब चलिए मैं क्वेश्चन आंसर बता देती हूँ। शब्दार्थ आप लोग का PDF में डाला हुआ है। क्वेश्चन में पाठ का नंबर डालेंगे, पाठ लिखेंगे, नंबरिंग डालेंगे, उसके बाद शीर्षक डालेंगे कहानी का। कहानी का चैप्टर का शीर्षक है ईमानदारी का इनाम। शब्दार्थ लिखेंगे, उसके बाद प्रश्नोत्तर है, ये लघुतरीय है। अभी मैं लघुतरीय बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में है, लकड़हारे क्यों रोने लगा? तो इसका आंसर होगा, लकड़हारे की कुल्हाड़ी नदी में गिर गई थी, इसलिए लकड़हारा रोने लगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, जल देवता ने प्रकट होकर लकड़हारे से क्या कहा? तो इसका आंसर होगा, जल देवता प्रकट होकर लकड़हारे से उसके रोने का कारण पूछा और कहा कि मैं अभी तुम्हारी कुल्हाड़ी लाकर देता हूँ। स्टोरी में आप लोग पढ़े हैं, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब आइए 3 पर, लकड़हारे ने कौन सी कुल्हाड़ी को अपना कहा? इसका आंसर होगा, लकड़हारे ने लोहे की कुल्हाड़ी को अपना कहा। लोहे की कुल्हाड़ी से ही वह लकड़ी काटता था जंगल में और लोहे की कुल्हाड़ी ही नदी में गिर गई थी। और जल देवता कितना भी उसे प्रलोभन दिए किंतु वह अपने ईमान से नहीं हिला और लोहे की कुल्हाड़ी को ही उसने अपना कुल्हाड़ी कहा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है लघुतरीय का, लकड़हारे को किस बात का इनाम मिला? तो स्टोरी में आप लोग पढ़े हैं, उसकी ईमानदारी का इनाम जल देवता ने उसे दिया। तो इसका आंसर होगा, लकड़हारे को ईमानदारी का इनाम मिला। ईमानदारी के इनाम में उसे सोने और चांदी दोनों कुल्हाड़ी मिली। ये आप लोग का कंप्लीट हुआ लघुतरीय। फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं ओरल कुछ क्वेश्चन मौखिक प्रश्नोत्तर है वो करवाऊंगी
और बुक में कुछ रहता है जैसे फिल इन द ब्लैंक्स है, कुछ वैकल्पिक प्रश्नोत्तर है, दीर्घ उत्तरीय है, वो सब नेक्स्ट क्लास में होगी। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।